अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग से तो अभी यहाँ पर जो है ना, मैंने नाश्ता हस्बैंड को बना कर दिया है और अभी मैं कर रही हूँ, तो अपने लिए चाय निकाल रही हूँ। आज जो है ना, मैंने नाश्ता नहीं करना था, दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि इससे पहले वाला व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था मायो मेहंदी का, तो मायो मेहंदी में काफ़ी लेट हो गए थे, खाना काफ़ी लेट खाया था, तो उसकी वजह से ना सुबह मेरा जो है ना बिल्कुल मूड नहीं था नाश्ते का। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर बस चाय निकाली और एक बिस्किट लूँगी और नाश्ता कर लूँगी। तो यह है कि बस हस्बैंड को पराठा वगैरह बनाकर दे दिया है, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो फिर वो उठेंगे तो फिर देखेंगे कि बच्चे क्या खाते हैं, क्या करना है, तो फिर उनको उनके हिसाब से नाश्ता बनाकर दे देंगे। बाकी अभी बस नाश्ता करती हूँ और हेल्पर आएगी, तो उसके बाद सफाई वगैरह करेंगे। और यहाँ जो है ना हेल्पर आ गई थी, मैंने जो है ना ये बैग वगैरह स्टोर में से निकलवाया उससे, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मैंने फैंसी सूट रखे हुए हैं जो शाम में हमने पहनना है। बारात है आज, थोड़ा बहुत आपसे बारात का व्लॉग शेयर करूँगी। तो फैंसी सूट जो है ना मैंने इस तरह बैग में या टेची में करके रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है अलमारियों में इतने ज़्यादा हमारे डेली के पहनने वाले कपड़े और फिर आने जाने वाले कपड़े, तो इतनी स्पेस ही नहीं होती अलमारियों में कि हम फैंसी सूट्स रखें और हैंग करके रखें। तो यह है कि मैं तो इस तरह मतलब रख देती हूँ। और शादियाँ भी हम लोगों के यहाँ तो काफ़ी लेट लेट कोई शादी आती है निकलती है, तो इस वजह से मैं जो है ना इस तरह अपने फैंसी कपड़े रख देती हूँ। यहाँ मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है, यासिम जोफा का ड्रेस है, और अपने बच्चों का भी अभी निकाल लेती हूँ, तो बस कपड़े निकाल लेते हैं और फिर प्रेस करके रख दूँगी। तो यह है कि लाइट वगैरह का आपको पता है यहाँ पर तो कोई निज़ाम है ही नहीं, ना लाइट का ना गैस का। जब दिल करता है कि जो है ना लाइट भी चली जाती है और गैस भी चली जाती है, तो इस वजह से जो है ना सब चीज़ें जो है टाइम टेबल से अपने करनी पड़ती हैं। तो अभी बस हेल्पर से मैंने ये निकलवा लिया था बैग ऊपर से, और यहाँ बस मैं ये कपड़े निकालूंगी और आकर फिर जो है ना इनको वापस थोड़ी सी हवा लगा कर कपड़ों को और फैंसी कपड़ों को थोड़ी मतलब जब हम लोग शादी वगैरह में से आ जाते हैं ना, तो मैं बस कपड़ों को थोड़ा सा उल्टा करके जो है ना बाहर सुखा देती हूँ, हवा लगा देती हूँ, और फिर उसके बाद उनको दोबारा से अपने अच्छे से पैक करके और वापस रख देती हूँ। तो इस तरह जो है ना काम वाले कपड़े हमारे मतलब ख़राब नहीं होते। तो बस यही अभी बस तैयार हो गए और जो है ना हो गया जाने का टाइम बारात में, तो अभी बस रेडी हो गई। ये मेरा ड्रेस था आज का, और मरियम को भी आपने देखा, मरियम ने अपने बालों में कर्ल्स किए हुए हैं, और जो कि मरियम बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैं मरियम मेरी ना पीछे से यहाँ पर वीडियो बना रही थी और कह रही थी वाओ मम्मा आपके बाल कितने शाइन कर रहे हैं। तो ये है कि अभी बस सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, और सीढ़ियाँ जो है ना काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं हमारी, ऊपर घर है तो बड़ा मुश्किल होता है भाई उतरना भी और चढ़ना भी, तो बस क्या करें। तो यह है कि अभी पर नीचे उतरते हैं और चलते हैं और आपसे व्लॉग शेयर करते हैं थोड़ा बहुत बारात का। और यहाँ पर बारात आ चुकी थी, आज हम थोड़ा सा लेट आए थे, ये मेहंदी में हम लोग काफ़ी जल्दी चले गए थे और इस वजह से मैं आज थोड़ा सा लेट गई थी। तो ये हॉल था, हॉल फुल भरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे, और यहाँ पर जो है ना निकाह भी हो गया, तो ये है निकाह के छुआरे, तो वो भी खाते हैं निकाह के छुआरे, और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। इसमें से एक दो चीज़ें बच्चों ने खा ली है निकाल के टॉफी ना, तो यह है बस अभी थोड़ा बहुत अपनी वीडियो बना रही हूं, दूसरों की तो मैं बना नहीं सकती, आपको पता है जब दूसरों के इवेंट में जाते हैं, रिलेटिव्स की शादी तो है नहीं, तो दूसरी जगह जाते हैं तो बड़ी देखभाल से जो है ना व्लॉग बनाना पड़ता है, और इस वजह से यह है कि बस अपनी ज़्यादा वीडियो मैंने बनाई। तो सामने जो है ना दुल्हन की एंट्री हो रही है, तो ऊपर से दुल्हन आ रही है, तो मैंने दूर से जो है ना थोड़ा सा क्लिप्स बना लिया कि मतलब दुल्हन नज़र नहीं आ रही, तो लेकिन ऊपर से उसकी एंट्री हो रही है। और यहाँ जो है ना हॉल भी बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था, मैं लेट हो गई वरना मैं जल्दी आती। तो जिस तरह मैंने मायो मेहंदी का स्टेज जो है ना आपसे शेयर किया था, बहुत खूबसूरत था वो भी, तो यहाँ का स्टेज भी बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा हॉल था, लेकिन मैं लेट हो गई थी और यहाँ पर आ गया स्टार्टर। स्टार्टर में थी फिश और चिकन टिक्का था, जो कि काफ़ी लेट खाना मिला तो हमें इतनी भूख लग रही थी, तो यह है कि बस स्टार्टर हमने इंजॉय किया अपना मज़ेदार सा, और उसके बाद खाना आ गया। खाने में थी बिरयानी, और बिरयानी में था ऑयल बहुत ज़्यादा,
ये क्या, ये थी क्या चिकन अचारी। भाई आपके साथ एक एक बात शेयर करनी पड़ती है कि खाने का भी रिव्यू देना पड़ता है। लेकिन खाना था बहुत मज़े का, बहुत मज़े का खाना था। साथ जो है ना वाइट कोरमा भी था मटन का, क्योंकि मैंने ना खाया ना उसकी वीडियो बनाई, वो थोड़ा सा लेट आया था। तो मैं तो बिरयानी की शौकीन हूँ, तो मैंने ज़्यादातर बिरयानी इंजॉय की और थोड़ा बस जो है ना सालन लिया। बाकी यह है कि बस मीठा बहुत मज़े का था, और मीठे का नाम पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत मज़े का तो मीठा था। और यहाँ पर बस अभी हम दूल्हा और दुल्हन से मिलने जा रहे थे, तो हमने जाना था बस घर। काफ़ी लेट हो गए थे, मेहमान काफ़ी जा चुके थे, तो ये है कि हम इधर आए अभी स्टेज पे दूल्हा दुल्हन से मिलने। दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी और दूल्हा भी माशाल्लाह से बहुत प्यार। और यहाँ पर बस अभी देखे हॉल भी खाली हो गया है, तकरीबन थोड़े बहुत जो है ना लोग थे। बाकी बस अभी हम भी घर चलते हैं, और बहुत इंजॉय किया आज का इवेंट हमने बारात का। लेकिन आपके साथ तो थोड़ा बहुत ही शेयर किया है मैंने। और यहाँ पर बस अभी सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, अभी तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, 1:30-2 बज रहे थे हम। तो यहाँ पर बस अभी घर चलते हैं, और जो है ना फिर कल का व्लॉग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। वलीमे का ये व्लॉग भी लेट हो गया, और उसके बाद बस कल वलीमा है, वलीमे में जाएंगे, थोड़ा बहुत आपके साथ वलीमे का व्लॉग भी शेयर करूंगा। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।